मुबारक हो, आप दोनों को ही बेटा हो। बेटा हुआ बेटा बधाई हो बधाई हे हे बेटा हुआ बेटा बधाई हो बधाई खाओ खाओ जी मिठाई आओ बहना आओ भाई देखो बेटा हुआ बेटा बधाई हो बधाई अरे बेटा हुआ बेटा बधाई हो बधाई
नाश्ता कर लीजिए। हेलो जी डॉक्टर गुप्ता बोलिए। अभी इस वक्त ऐसी कौन सी इमरजेंसी आ गई? फोन पर नहीं बताएंगे। अच्छा ठीक है, हम लोग पहुंचते हैं। जी वो डॉक्टर गुप्ता का फोन था, कह रहे थे कुछ अर्जेंट बात है, हमें मैटरनिटी होम बुलाया है। अब अनीश कहाँ है? बिनी के पास। ठीक है उसे वहीं रहने दो, तुम मेरे साथ चलो। आप लोग अनीश को लाए होते तो अच्छा होता। डॉक्टर आपने कहा था जल्दी आ जाइए, तो मुझे लगा सिर्फ हम दोनों को आना है। इससे बात क्या है? मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि मैं बात की शुरुआत कहाँ से करूं, क्योंकि बात बहुत सीरियस भी है और अजीब भी। एनीवेज सच तो बताना ही पड़ेगा। देखिए मिस्टर अतुल, मेरे रजिस्टर में आपके बेटे के जो बर्थ मार्क लिखे हुए हैं उसके मुताबिक उसके दाएं कान के नीचे एक काला तिल होना चाहिए। जी नहीं। और उसके पीठ पे करीब आधे इंच डायमीटर का एक काला निशान होना चाहिए। जी वो भी नहीं है। वो भी नहीं है। बाएं हाथ के अंगूठे के नीचे एक छोटा सा काला तिल। बाएं हाथ के अंगूठे के नीचे? नहीं डॉक्टर साहब, वो भी नहीं है। तीनों निशान नहीं है ना? जी नहीं। दीपक बेटे हमारे पास आइए। गुड बॉय, कम दिस साइड। ऐसे खड़े होइए, ऐसे मुड़िए, ऐसे। हाँ ये देखिए इसके कान के नीचे तेल। बेटे सीधे होइए, हाथ दिखाइए, ये अंगूठे के नीचे तेल और पीछे मुड़िए, पीछे मुड़िए, पीछे मुड़िए। ये काला निशान। What does this mean, doctor? मैं बताती हूँ। बेटे आप जाके कार्टून देखो। हुँ? I'm sorry, लेकिन दीपक आपका बच्चा है और अनीश मिस्टर और मिसेस सामंत का। आपके बच्चे के जो बर्थ मार्क इस रजिस्टर में लिखे हुए हैं वो सब के सब दीपक में हैं, और इनके बच्चे के जो बर्थ मार्क हैं वो भी इसमें लिखे हुए हैं। आप देखिए, ये देखिए, आपको खुद पता चल जाएगा कि ये सारे के सारे अनीश में हैं। डॉक्टर मैं जानती हूँ कि इस वक्त आप लोग के दिमाग में बहुत सारे सवाल एक साथ उठ रहे होंगे, लेकिन आपके सारे सवालों का जवाब मेरे पास सिर्फ एक है। आप लोग जानते ही हैं कि दोनों बच्चों का जन्म एक ही वक्त पर एक ही दिन हुआ था। बच्चों की जन्म तिथि और बर्थ मार्क एंट्री तक सब कुछ ठीक रहा, लेकिन उसके बाद पता नहीं किसकी गलती की वजह से, किसकी लापरवाही की वजह से दोनों बच्चे आपस में बदल गए। इन 5 सालों में हमारे हॉस्पिटल के स्टाफ में इतने चेंजेस हुए कि
मैं ये भी पता नहीं लगा सकती कि यह गलती किसने की थी। खैर, इस गलती की जिम्मेदारी मैं लेती हूँ। मैं आप लोगों की गुनाहगार हूँ और आपसे माफी चाहती हूँ। आपके माफी मांगने से क्या होता है डॉक्टर साहिबा? हम तो धर्म संकट में पड़ गए हैं ना, जिसे आज तक सारी जिंदगी अपना बच्चा समझते रहे। आप कह रही हैं कि वो हमारा बेटा नहीं है? मैं समझ रही हूँ कि आपको कितनी तकलीफ हो रही है। बिल्कुल ऐसी ही तकलीफ मिस्टर मिसेस अतुल को भी हो रही होगी, क्योंकि जो सच्चाई सामने आई है उसे कबूल करना बहुत मुश्किल है। लेकिन आप लोगों का अपने बच्चों पर हक है, जो गलती हो गई है उसे सुधारना जरूरी है। सच्चाई को तो स्वीकार करना ही होगा ना। सावन साहब, आपको इस सच्चाई के बारे में कब पता चला? वो दीपक के कॉन्वेंट स्कूल में एडमिशन के लिए उन्होंने हमसे हमारा और दीपक का ब्लड ग्रुप मांगा, और हमें हैरानी इस बात में हुई कि हमारा ब्लड ग्रुप दीपक के ब्लड ग्रुप से मैच ही नहीं करता था। हमने सोचा कि चलकर डॉक्टर साहिबा से पूछते हैं, और यहाँ आकर पता चलता है कि दीपक हमारा बेटा ही नहीं है। गुप्ता, इस हालत में क्या करना चाहिए? दीपक बेटे, इधर आओ। दीपक बाहर जाओ। अतुल साहब, अब क्या फैसला किया आपने? मैं क्या कहूं, गलती हुई है तो सुधारनी पड़ेगी ना। मेरे ख्याल से आप लोगों को ऐसा कर लेना चाहिए, वरना आगे जाके बहुत मुश्किलें आ जाएंगे। मुश्किलें तो आ गई हैं डॉक्टर साहब। आई नो इट्स वेरी डिफिकल्ट। देखिए, इस काम को बहुत समझदारी के साथ करना होगा। इस एक्सचेंज में जिस बात पे सबसे ज्यादा ध्यान देना है वो ये कि बच्चे मेंटली तौर पे तैयार हों, उनके साथ जबरदस्ती नहीं होनी चाहिए। आप लोग राजी हैं? राजी तो होना ही पड़ेगा डॉक्टर गुप्ता। क्यों मिस्टर सावंत? मैं क्या कहूँ अतुल साहब, जो होना होना ही। अब तो फिर ठीक है, इस काम को आप लोग कब और कैसे करेंगे तय करके बता दीजिए। ये क्या हो गया? तो ईश्वर जो भी करता अच्छे के लिए करता। अभी तो हमारा निशम से अलग हो जाएगा, ये अच्छा होगा क्या? हमारा अपना बेटा हमारे पास वापस आ जाएगा, क्या ये अच्छा नहीं होगा? जिस बच्चे को मैंने सालों से पाल पोस कर बड़ा किया, वो बच्चा मुझसे दूर हो जाएगा, पल भर में पराया हो जाएगा, मैंने सोचा भी नहीं था। अभी तो इसके लिए अनीश को भी तैयार करना होगा। ये सोचकर ही मेरा तो कलेजा फटने लगता है। और कहते हैं कि ईश्वर जो करता है अच्छा ही करता है। अमिताभ, कल जो तूफान हमारी जिंदगी में आया, उससे हमारा घर गुजरते उजरते बचा है। लेकिन आज जो तूफान आया उसने इस बात का एहसास दिलाया कि कल का तूफान तूफान नहीं था, महज एक भ्रम था। अमिता, मुझे माफी दो, सजा नहीं। तुम जानती हो ना, मैं तुम्हारी आंखों में आंसू नहीं देख सकता। खुद ही रुलाते हो,
और खुद ही कहते हो कि रोते हुए नहीं देख सकता। सुनिए, आज ही हम अपने बच्चे को उनके घर से ले आते हैं। नहीं दीपाली, तुम समझती नहीं हो, ये बहुत नाजुक मामला है। हमें बच्चे को समझाकर तैयार करने के लिए वक्त चाहिए। देखिए, उसने तो अपने बच्चे को कलेजे से लगाकर तसल्ली कर ली, मैं तो उसको देखने के लिए भी तरस रही हूँ। आप क्या समझोगी माँ की ममता? दीपाली, अगर तुम बच्चे की माँ हो तो मैं भी तो उसका बाप हूँ। देखो दीपक की माँ मैं नहीं, नहीं। दीपक की नहीं, अनिश की माँ। अच्छा बाबा, तुम अनिश की माँ हो, लेकिन फिर भी हमें कल तक इंतजार तो करना पड़ेगा। दीपाली, हम कल जाकर अपने अनिश को लेकर आएंगे, ओके? हम कल जाएंगे। हेलो अतुल साहब। नमस्कार जी, मैं सामंत बोल रहा हूँ जी। जी, लेकिन भाई साहब मेरी समझ में नहीं आ रहा है, मैं दीपक से क्या कहूँ? देखिए सामंत साहब, हमने तो अनीश से ये कहा है कि सामंत अंकल और आंटी तुम्हें बहुत प्यार करते हैं, बिल्कुल मम्मी पापा की तरह, और वो यही चाहते हैं कि कुछ दिन तुम आकर उनके पास रहो, तुम्हारा घूमना भी हो जाएगा और उन्हें तुम्हारा साथ भी मिल जाएगा। बस मेरे हिसाब से आपको भी दीपक से यही कहना चाहिए। अनिश मान गया? कुछ बहला फुसला कर थोड़ी देर के लिए तो मना लिया, आगे देखते हैं क्या होता है। ठीक है भाई साहब, मैं दीपक से कल सुबह बात करता हूँ। गुड नाइट। गुड नाइट सामंत साहब।
बहुत मुश्किल से बना है ऐसे आप लोगों के साथ जाने के लिए। बहुत बहाने बनाए, अंकल सर्कस दिखाने ले जाएंगे, पिकनिक के लिए ले जाएंगे, चॉकलेट देंगे, आइसक्रीम देंगे। ख्याल रखिएगा इसका, फिक्र मत कीजिएगा, मैं अनिश को आपकी कमी महसूस होने नहीं दूंगी। दीपक को मैंने बहुत प्यार से पाला है, उसका ख्याल रखिए। मैं समझ सकती हूँ। दीपक बेटे गाना शुरू करो। मैं तुम्हारा बेटा नहीं। कोई बात नहीं बेटा, फिर भी खाना तो खा लो ना। खाना नहीं खाना।